हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जो है इस दरवाजे पर जो है लॉक लगाने वाले हैं। दरवाज़ा का लॉक जो होता है वो लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी देखिए कि मैं इस दरवाजे पर लॉक कैसे लगाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने दरवाज़ा पर लॉक लगाने के लिए जो है यहाँ पर ड्रिल मशीन से होल कर रहा हूँ, और इसमें हमने मार्क जो है वो पहले से लगा के रखा हुआ था, तो इसलिए हम डायरेक्ट ही होल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, ड्रिल मशीन से इसी तरह से होल करते हुए इसको, इसके छेद जो है वो पूरा क्लियर कर लेना है। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, बने रहना वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने ड्रिल मशीन से जो होल करके हो गया है। तो अभी इसको हम जो है हाथ वाला बटाली जो बोलता है उसे हम इस पर छेद को साफ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो इसी तरह से हम छेद को जो है साफ़ करने के बाद उसके बाद इसके यहाँ पर लॉक जो है उसको सेट करने वाला हूँ। पहले इसको होल अच्छी तरह से कर लेते हैं, फिर उसको लॉक यहाँ पर लॉक को लगा कर एडजस्ट करके देखेंगे सही तरह से फिट होता है कि नहीं। तो दोस्तों, लॉक तो सही तरह से फिट हो गया यहाँ पर हमने, और लॉक को जो है रखकर वहाँ पर किनारे किनारे पर उसके साइड के लॉक जो वहाँ पर बैठने के लिए हमने कटिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा हल्का सा किनारे किनारे। तो उसको कटिंग करने के बाद जो है वहाँ पर लॉक सेट कर लेंगे हम। दोस्तों, लॉक के लिए जगह जो कटिंग करके हो गया है, और अभी जो इसके लॉक के हैंडल लगाने के लिए जो है उसके लिए हम यहाँ पर मार्क लगा रहे हैं हैंडल, और उसके जो की लगाने के लिए उसका होल करने वाला हूँ। और दोस्तों, ये देखिए, हमने ड्रिल मशीन से कुछ इस तरह से यहाँ पर हम होल कर रहा हूँ। होल कर लेने के बाद जो इसको सही तरह से लॉक को एडजस्ट करेंगे। दोस्तों, इसका हल करके लगभग हो गया है। और दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर हमने लॉक को जो है यहाँ पर लगा दिया है, और इसी तरह से हम इसका नट जो है उसको कस रहा हूँ ये देखिए। तो इसी तरह से जो है हम इसको लॉक को लगाकर कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ऊपर साइड में जो एक डंठी नज़र आ रहा है, तो वो है दरवाज़ा का जो हैंडल होता है उसका हैंडल के लिए वो है, और नीचे तरफ जो है उसको हमने चाबी लगा के रखा है। तो ये देखिए, हमने ऊपर नीचे जो है नट कस दिया है, तो इसी तरह से कस लेने के बाद ये जो इसका लॉक हो जाता है फिटिंग अच्छी तरह से। तो दोस्तों, इसका नट कस के तो हो गया है, अब इसका हैंडल लगाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, हैंडल कुछ इस तरह से लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इसके हैंडल के जो साइड में ऊपर नीचे दो, ऊपर में दो स्क्रू, नीचे में दो स्क्रू, इनके चार स्क्रू लगाया जाता है एक हैंडल में। तो उस हैंडल को जो है स्क्रू पर कस लेने के बाद कुछ इस तरह से आने वाला है लुक। ये देखिए, हम इसको कस रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, एक साइड का हैंडल तो लगा के हो गया है, अब इसके दूसरे साइड लगा रहा हूँ हैंडल। तो ये देखिए कुछ देर से। तो दोस्तों, हम हैंडल लगाते समय एक प्रॉब्लम हो गया, तो इसके जो है लॉक एक साइड में जो अंदर साइड का जो हैंडल होता है वो लॉक को फिटिंग करने से पहले ही उसको एक साइड से उसको लॉक को लगाने का था, लेकिन मिस्टेक हो गया। तो इसका हम अभी खोल रहा हूँ, खोल के फिर दोबारा इसको हम लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने दरवाजे के अंदर साइड का हैंडल भी जो है लॉक का हैंडल वो भी लगाकर लगभग हो गया है कम्प्लीट। ये देखिए हो गया है। तो दोस्तों, दरवाज़ा पर जो है लॉक लगाकर हो गया है कंप्लीट। अभी इसके चौखट पर जो है लॉक लगने के लिए उसका हम एक पत्ती मिलता है, वो पत्ती को वहाँ पर लगाकर लगाने के लिए एडजस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, चौखट पर होल हमने पहले से कर दिया था, तो अभी इसको सिर्फ उसका जो एक पत्ती आता है उसको लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी लगाकर चेक कर रहा हूँ सही तरह से हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया,
तो इसका लॉक जो वहाँ पर नहीं लग रहा था, तो इसको हम अच्छी तरह से फिर और खोल के थर से उसको नीचे तरफ सरकाना है। तो नीचे सरकाने के बाद जो है वो अच्छी तरह से लॉक सही जगह पर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके यहाँ पर चौखट पर भी हमने लगाकर हो गया, इसका पत्ती जो है वो लगाकर हो गया है, तभी दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम हो गया है, और ये प्रॉब्लम ये है कि इस दरवाजे का जो हमने वो लॉक का पत्ती जो था वो मतलब सीधा था, तो इसके वजह से दरवाज़ा बंद करते समय वो बंद नहीं हो रहा है। तो उसका हैंडल जो आग घुरा के बंद करने से तभी बंद हो रहा था, ये देखिए अभी बंद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हम क्या जो इसको हथौड़ा की मदद से थोड़ा सा मार कर उसको ठीक कर लिया है। तो ये देखिए कुछ इधर से बंद हो गया, कितनी आसानी से बंद हो रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये दरवाज़ा का लॉक लगाने का तरीका, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए दोस्तों कितनी आसानी से दरवाज़ा जो है बंद हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिल्कुल आसानी से बंद हो गया है। और दोस्तों अगर आप लोग इस दरवाज़े कैसे बनाए इसका फुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप वहां से चेकआउट जरूर करें। तो दोस्तों ये देखिए अपना दरवाज़ा का लॉक जो लगा लेने के बाद कुछ इस तरह से हो रहा है लुक इसका, और दरवाज़ा का लुक भी देखिए कितना खूबसूरत लुक है इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल में नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।